भगवान शिव की असली फोटो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भगवान शिव की असली फोटो है, बहुत सारे लोग दावा करते हैं। और आए दिन ये बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये भगवान शिव की सचमुच में असली फोटो है। अगर असली फोटो है तो कैसे खींची गई, कब खींची गई, किन हालातों में खींची गई है। तो दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में हम ये लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भगवान शिव की असली फोटो है और कब खींची गई है, किन हालातों में खींची गई है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है कि पहली बार कैमरा का आविष्कार आज से लगभग 200 साल पहले 1825 के आसपास हुआ था, जो इमेज कैमरा था, जो फिक्स्ड इमेज कैमरा जिसे कहा जाता है। तो फिर भगवान जो कि शायद आज से करोड़ों या अरबों साल पहले धरती में एग्जिस्ट करते थे, या फिर धरती में एग्जिस्ट करते भी थे कि नहीं हमें नहीं पता, उनकी फोटो कैसे खींची गई, हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये डिटेल में समझने के लिए भगवान शिव की इमेज, फिजिकल फॉर्म, वो कैसे दिखाई देते हैं, उसे जानने के लिए हमें बहुत पहले चलना होगा। इतना पहले जब इस दुनिया का निर्माण, इस सृष्टि का भी निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, तभी हमें समझ में आ पाएगा कि कैसे भगवान शिव की असली फोटो इस दुनिया के सामने आई। दरअसल ये बात उस समय की है जब समय भी एग्जिस्ट नहीं करता था। केवल एक ही शक्ति इस दुनिया में थी, एक ही ज्योत जिसका ना ही कोई आकार था और ना ही कोई अंत, जो कि अजर था, यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ था और जो अमर था। इसी एक अखंड ज्योत से, इसी एक आदि अनंत ज्योति से जन्म हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का। दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तभी उस आदि अनंत ज्योत से आवाज आई, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है, तो सबसे पहले यह बता दो कि मेरा यानी कि उस ज्योत का अंत कहां है और शुरुआत कहां है, उसकी लंबाई नाप के बता दो। पता चल जाएगा, जिसने पता कर लिया, जिसने या तो अंत पता कर लिया या तो इसका आरंभ पता कर लिया, वो सबसे बड़ा कहलाएगा। अब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु लग गए। भगवान विष्णु गए ज्योत की अंत की तरफ और भगवान ब्रह्मा गए ऊपर की तरफ, ये पता लगाने के लिए आरंभ कहां पर। काफी वर्षों तक, लाखों करोड़ों साल बीत गए, लेकिन दोनों को पता चल नहीं पाया। सफर करते ही रहे, विष्णु जी नीचे जाते रहे, ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे, पता नहीं चल पाया, आखिर थक हार गए। जब वापस लौटे मिले तो भगवान ब्रह्मा ने ये झूठ कह दिया कि मुझे आरंभ पता चल गया। तभी उस आदि अनंत ज्योत से ये आवाज आई कि तुमने झूठ कहा है, तुम्हें पता नहीं चला है, इस वजह से तुम्हें श्राप मिलता है कि कभी तुम्हारी पूजा इस ब्रह्मांड में नहीं की जाएगी, कभी भी तुम्हारे किसी भी मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाएगा, कभी तुम्हें कोई ज्यादा पूजनीय नहीं मानेगा। ये आवाज थी भगवान शिव की, जो निरंकार है, जो कि अजर है, जो कि अमर है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान शिव का जो भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म था, उसे रुद्र और शंकर के नाम से जाना जाता था। शिव कह लो, महादेव कह लो, ये हर जगह हर एक चीज में मौजूद है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, समय के उस पार भी, समय के इस पार भी, और इस समय भी। वो भगवान शिव, महादेव, भगवान का कॉस्मिक फॉर्म है। लेकिन अगर हम बात करें भगवान के फिजिकल फॉर्म की, जो कि जी हाँ कई बार इस दुनिया में सामने आया है, जिसने समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल था, जो विष था, उसको इस दुनिया की भलाई के लिए ग्रहण कर लिया था, वो था भगवान महादेव का भौतिक रूप, जिसे रुद्र, शंकर, शंभु नाम से लोग जानते हैं। लेकिन ये कैसा दिखाई देता है? दिखाई दिया है तभी तो तस्वीर आई है ना। चलिए इस तस्वीर को, इस फोटो को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस फोटो में भगवान शिव बहुत ही उम्रदराज दिखाई दे रहे हैं। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मोटा पेट है, और ये थोड़े से आज के जमाने के इंसान की तरह दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तो भगवान की कभी उम्र बढ़ नहीं सकती। भगवान अगर फिजिकल फॉर्म में भी है तो भगवान अमर है, और जो इंसान अमर होता है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, शिव अजर अमर है, तो अगर वो अमर है तो उनकी कभी उम्र नहीं बढ़ेगी। मैं अभी हमारे शिव पुराण के हिसाब से बात कर रहा हूं। शिव पुराण में और हमारी कई सारी कथाओं में ये वर्णन है कि भगवान शिव का जो भौतिक रूप है वो एक फुल्ली ग्रोन मेल हॉर्स के बराबर का है। जी हाँ, उनका जो हाइट है वो एक, जो कि बड़ा हो चुका घोड़ा, हष्ट पुष्ट घोड़ा है, उसकी हाइट के हैं। ये कपूर की तरह साफ रंग के हैं, सफेद रंग, गोरे रंग के हैं,
और ये अपने पूरे शरीर में हमेशा भस्म लगाए रखते हैं। इनके गले में वासुकी नाग सवार है, इनके माथे पर चंद्रमा और जटाओं पर गंगा सवार है। माना जाता है कि जो मृत जानवर होते हैं उनकी खाल को कपड़ों के रूप में धारण करते हैं। रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शिव ने इन खालों को धारण करने के लिए किसी भी जीव या जंतु को हानि पहुंचाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इस दुनिया में आया है उसका अंत होना जरूरी है, और माना जाता है कि जिसका अंत हो जाता है, जिस जीव का अंत हो जाता है, मानो शेर का, तो शेर की खाल को भगवान शिव ने अपने वस्त्र बनाए हुए हैं। भगवान शिव का रूप जो कि है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और अगर हम हाइट की बात करें जिस हिसाब से शिव पुराण में वर्णन है, तो ये समझ में आता है कि भगवान शिव का जो भौतिक रूप है उसकी हाइट यही कोई 9 फीट के आसपास की होगी, क्योंकि एक फुल्ली ग्रोन हॉर्स यही कोई 8 से 9 फीट का होता है। अब भाई आते हैं इस तस्वीर की तरफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान शिव की असली फोटो, असली तस्वीर ये है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहीं से खींची नहीं गई, ये किसी कैमरे की मदद से कैप्चर नहीं की गई है। ये पुटपर्ती की जो सत्य साईं बाबा थे, जी हाँ, सत्य साईं बाबा का नाम सब लोग जानते होंगे, उन्होंने ये फोटो को मटेरियलाइज किए हैं, उन्होंने इस फोटो को अपने हाथों से बनाया है, इमेजिन करके कि भगवान शिव ऐसे दिखाई देते रहे होंगे। क्योंकि पुराणों में भगवान शिव का जो रूप है, भौतिक रूप है, उसका पूरी तरह से वर्णन है। तो बहुत सारे लोगों को ये तस्वीर देख के भी क्लियर हो गया होगा कि भगवान शिव जो कि कई सारी तस्वीरों में ये करते हुए दिखाई देते हैं, वो कोई कूल दिखने के लिए नहीं करते हैं, वो भगवान हैं। और जो बहुत सारे लोग आज की जनरेशन के लोग बोलते हैं कि भगवान शिव अगर ये करते हैं तो हम उनके फॉलोअर, हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी ये करेंगे, उनका प्रसाद है। कभी सोचे हो भगवान शिव ये कर भी सकते हैं, और किए भी होंगे तो क्यों किए होंगे? भगवान शिव ने तो विष का भी सेवन किए थे। इतने बड़े भक्त हो भगवान के तो कर लो उसका भी सेवन, पता चल जाएगा कि कितनी भक्ति भरी हुई है तुम्हारे अंदर। भगवान शिव को गलत चीजों से जोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान, लेकिन जरूरत से ज्यादा गलत है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो के सार को आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, वो निरंकार है। लेकिन अगर वो किसी वजह से किसी समय भौतिक रूप में इस दुनिया में आए थे तो उनका रूप इस प्रकार था, ना कि आज के जमाने में लोग इमेजिन करके जो तस्वीर बना रहे हैं वो इस प्रकार है। क्योंकि पुराणों में साफ साफ इस चीज का वर्णन है। दुनिया के किसी भी कैमरे या टेक्नोलॉजी की मदद से भगवान की तस्वीर नहीं खींची जा सकती, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड चल रहा है। ये ब्रह्मांड के कण कण में वो है, और इस ब्रह्मांड का कण कण भी समय आने पर उनके अंदर ही समा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को एक अलग सी जानकारी मिली होगी, और बहुत सारे लोगों की आंखें भी खुली होगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पसंद किए तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आ देता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे आपका इंतजार रहेगा। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और लोग गलत चीजों को समझने से बेहतर है अच्छी चीजों में अपना समय देंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।